एवरीवन, स्वीट एंड सॉल्टी रेसिपीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। रक्षाबंधन आने वाला है, इस मौके के लिए हम एक बहुत ही टेस्टी सी मिठाई बनाएंगे। इस मिठाई की खास बात यह है कि ये बहुत ही आसानी से बन जाती है, इसे बनाना बहुत मुश्किल नहीं है और इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स यूज होंगे वो आसानी से हर घर में मिल जाते हैं। स्पेशल इसमें कुछ ऐसा नहीं डलने वाला है जो कि हमें मिल ना सके, तो इजीली अवेलेबल इंग्रेडिएंट्स से ये बनती है और दूसरा आसानी से बन जाती है, खाने में भी बहुत टेस्टी लगती है। तो चलिए फटाफट से हम इस बहुत ही स्वादिष्ट मिठाई को बनाना शुरू कर लेते हैं। मिठाई बनाने के लिए सबसे पहले लेंगे एक ग्राइंडिंग जार, इसमें डालेंगे एक कप दूध, कोई भी एक कप या कटोरी आप सेट कर लें और सब चीजों का मेजरमेंट आपने उसी से करना है तो बिल्कुल परफेक्ट मिठाई आपकी बनेगी। तो कोई भी कप या कटोरी एक सेट कर लें और उसी से सब चीजों का मेजरमेंट कर लें। मैं मेजरिंग कप का यूज कर रही हूँ। एक कप दूध डालेंगे इसमें और डाल रही हूँ आधा कप नारियल का बुरादा, इसे नारियल चूरा डेसिकेटेड कोकोनट भी बोलते हैं। अगर आपके पास ये है तो आप ये डाल लें, अगर ये नहीं है तो आप जो कच्चा नारियल होता है उसका ब्लैक वाली स्किन हटा दें और उसको कद्दूकस करके ले लें। अगर वो भी नहीं है, घर में सूखा वाला नारियल जो होता है, गोला जिसे बोलते हैं, वो तो होता ही है, उसका भी ब्लैक वाली स्किन हटाकर उसको भी कद्दूकस करके आप वो भी ले सकते हैं। या इसकी जगह आप चाहें तो काजू का जो पाउडर होता है, काजू को पीस लें मिक्सी में, हल्का चला चला कर 10 मिनट चलाएं मिक्सी, 10 मिनट रोकें, इस तरह से करके उसका पाउडर बन जाएगा, वो भी ले सकते हैं। तो आप वो भी यूज कर सकते हैं, इसमें कई ऑप्शन हैं। और नारियल का बुरादा तो इजीली हर जगह मिल जाता है, तो आधा कप ये लिया है इसे भी इसमें डाल देंगे और आप इसका हमें पेस्ट बना लेना है। मिक्सी में इसे पीस लेंगे, इसका पेस्ट जैसा बन जाएगा, तो इसे हम पीस लेते हैं। नारियल चूरा और दूध को हमने पीस लिया है और ये देखिए ये इस तरह से हो गया है, जैसे कोकोनट मिल्क होता है इस तरह से ये तैयार हो गया है और एक सार हो गया है। हम चाहें तो रेसिपी में नारियल चूरा और दूध को अलग तरह से भी डाल सकते हैं, अलग अलग भी डाल सकते हैं, इस तरह से पेस्ट ना बना के डालें, लेकिन इस तरह से बनाकर डालेंगे तो इसका टेस्ट अलग आएगा, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है। तो इस तरह से आप इसको पेस्ट की तरह कर लें। इसे हमने पीस लिया, इसे साइड रखते हैं, चलते हैं आगे की प्रोसेस में। पैन को गर्म होने के लिए रख दिया है, फ्लेम हमने लो रखी है। अब इसमें डालेंगे 1/4 कप देसी घी। देसी घी में इस मिठाई को बनाएं तो इसका टेस्ट ज्यादा अच्छा आएगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं है या आप यूज नहीं करना चाहते तो आप इसमें रिफाइंड ऑयल या वनस्पति घी उसका यूज भी कर सकते हैं। तो 1/4 कप हम इसमें डालेंगे देसी घी और घी को मेल्ट होने देंगे। घी मेल्ट हो गया है, अब इसमें डालेंगे 1 कप बेसन, इसे पहले से ही छान के लिया है। छान लेने से एक तो कोई भी इम्प्योरिटी अगर इसमें होगी तो वो भी निकल जाएगी और इसकी गुठलियां नहीं पड़ेंगी, तो इसलिए छान जरूर लें। इसे भी हम इसमें डाल देंगे और अब इसे लगातार चलाते हुए हमें भूनना है, फ्लेम लो ही रखनी है और लगातार चलाते रहना है। लगातार चलाते हुए हम भूनेंगे इसको जब तक कि इसका कलर हल्का सा चेंज हो जाएगा और इसका कच्चापन भी खत्म हो जाएगा बेसन का। तो इसे हमें बहुत डार्क नहीं करना है, डार्क कलर इसका ना हो लेकिन गोल्डन हो जाए, इतना हमें इसे भूनना है और चलाते लगातार रहें। इस तरह से लगातार चलाते हुए हम इसे भूनेंगे। फ्लेम आपने लो ही रखनी है, अगर तेज कर देंगे तो ये जल जाएगा एकदम से, कच्चापन इसका खत्म नहीं होगा, टेस्ट सारा खराब हो जाएगा, तो इसलिए फ्लेम को आपने लो ही रखना है। अभी देखिए ये ड्राई सा हो गया है, लेकिन जैसे जैसे ये भूनता जाएगा ये वापस से इसमें से घी छूटना शुरू हो जाएगा और ये थोड़ा लिक्विड हो जाएगा। तो इसे आप भूनते रहिए इस तरह से चलाते हुए। ये देखिए बेसन ने घी छोड़ना शुरू कर दिया है, पहले जैसे एकदम सूखा सूखा हो रहा था तो ये थोड़ा अब पहले से गीला हो गया है। तो इसे लगातार चलाते हुए थोड़ी देर और भून लेंगे, इसका बढ़िया सा गोल्डन कलर आ जाए। बेसन ने घी भी छोड़ दिया है और इसका कलर गोल्डन हो गया है, इसे ज्यादा डार्क कलर का हमें नहीं करना है। तो बस अब इसमें हम डालेंगे 3/4 कप चीनी, मैं डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के हिसाब से ले सकते हैं चीनी, और इसे अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर देंगे। और इसी के साथ हम इसमें डाल देंगे ये नारियल का और दूध का जो हमने पेस्ट बना के रखा था, और अब सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे।
सभी चीजों को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है, ये एकदम से ड्राई होने लगता है। अब हमें इसे लगातार चलाते हुए, लो फ्लेम पर ही लगातार चलाते हुए तब तक पकाना है जब तक कि ये पैन को बिल्कुल छोड़ना शुरू न कर दे। बहुत कम समय लगता है इसमें क्योंकि ये बहुत ही जल्दी ड्राई हो जाता है। ये देखिए, इसने पैन को छोड़ना शुरू कर दिया है, पैन से बिल्कुल अलग हो गया है ये। अब इसमें फ्लेवर के लिए डाल रही हूँ इलायची पाउडर, आप चाहें तो केसर को भी थोड़े से दूध में घोलकर वो डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच इलायची पाउडर मैंने डाला है, इसे भी इसमें मिक्स कर लेंगे और अब फ्लेम को हम बंद कर देंगे। हमारा मिक्स एकदम परफेक्ट बना है। इसको चेक करने के लिए तरीका ये है कि आप थोड़ा सा इस तरह से मिक्स हाथ में लेके और इस तरह से करेंगे तो ये गोली की तरह बन जा रहा है, यानी कि मिक्स एकदम परफेक्ट बना है। अब हम इसे किसी बर्तन में निकाल लेते हैं दूसरे, और इसे थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, सिर्फ इतना ठंडा कि ये हाथ से छूने लायक हो जाए, उसके बाद हम इसकी मिठाई बनाएंगे। मिक्स हमारा हाथ से छूने लायक ठंडा हो गया है, पूरी तरह से इसे ठंडा नहीं करना है, नहीं तो मिठाई बनाने में दिक्कत होगी। अब आप इसे अपने हिसाब से जो भी आप पसंद करें, लड्डू की तरह बना सकते हैं, पेड़े की तरह बना सकते हैं, या आप इसको बर्फी की तरह भी जमा सकते हैं, जैसा आपको शेप और साइज पसंद हो उस तरह से आप इसको बना लें। मैं इस तरह से इसको रोल की तरह बना रही हूँ, इस तरह से इसे बना लिया है। अब आप इसको जिस तरह से भी चाहें वैसे डेकोरेट कर सकते हैं, आप इसमें कोई भी ड्राई फ्रूट लगा सकते हैं। ये थोड़ा सा चांदी का वर्क मैं लगा रही हूँ, अगर आपके पास ओरिजिनल हो तभी आप लगाएं, इससे बिल्कुल मार्केट वाली मिठाई जैसा लगेगा, बहुत ही अच्छा लगता है। और वर्क लगाने के बाद इसको थोड़े से एक पिस्ता इस तरह से लगा देते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लग रही है हमारी मिठाई। इस तरह से आप अपने मनपसंद तरीके से इसे गार्निश कर सकते हैं। ऐसे ही हम बाकी की मिठाई भी बना लेते हैं। बहुत ही टेस्टी लगती है ये मिठाई, इसमें नारियल का जो फ्लेवर है बहुत ही अच्छा आता है। आपको इसमें कोई और ड्राई फ्रूट डालने की आवश्यकता ही नहीं पड़ने वाली है। इसी तरह से सारी मिठाई बनाकर हम तैयार करेंगे। बहुत ही आसानी से और घर में मिलने वाले सामान से बनने वाली स्वादिष्ट मिठाई बनकर तैयार है। आप इसे रक्षाबंधन में बनाएं या किसी भी त्योहार पर या किसी भी स्पेशल ओकेजन पर आप इसे बना लें, या जब भी आपका कुछ मीठा खाने का मन करे तब आप इसको बनाकर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगती है। तो इस रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर कीजिएगा, और आज की रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा।